हेलो दोस्तों, जीरो लैब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक ये इंडक्शन कुकटॉप जो कि खराब है को रिपेयर करना सीखेंगे। ये 1800 वॉट और पीजन ब्रांड का है। यहाँ पर इस इंडक्शन कुकटॉप को हम सबसे पहले टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर पावर मॉनिटर में आप 00 वॉट देख पाएंगे और मैं इसे पावर मॉनिटर में प्लग करता हूँ तो ये 0.27 वॉट के लगभग पावर कंज्यूम कर रहा है। इसका मतलब कि इसके अंदर फॉल्ट है लेकिन ये पूरी तरह से डेड नहीं है। यहाँ पर इसकी जो बटन्स हैं इन्हें हम प्रेस करते हैं तो हमें हमारा इंडक्शन कुकटॉप कोई रिस्पांस नहीं देता है। ऐसी स्थिति में इसे रिपेयर करने के लिए हमें इसे प्लग आउट करके और इंडक्शन कुकटॉप को खोलना होगा। तो यहाँ पर हम इस तरह से इसे पलट लेते हैं और बैक साइड में कुछ स्क्रू लगे होते हैं, उन्हें हमें अनस्क्रू करना होगा। तो यहाँ पर काफ़ी सारे होल्स दिख रहे हैं और इनमें स्क्रू जो हैं लगे हुए हैं और इन्हें हम अनस्क्रू कर लेते हैं। तो इस तरह से मैं जल्दी से इसके सभी स्क्रू जो हैं उन्हें अनस्क्रू कर देता हूं और उसके बाद हम इसे ओपन करके और फिर इसके अंदर क्या फॉल्ट है उसे रिपेयर करना सीखेंगे। तो यहां पर मैंने इसे सभी स्क्रू जो हैं इसके रिमूव किए हैं लेकिन अभी इसकी हाउसिंग जो है वो सही से ओपन नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पर इसमें एक स्क्रू और लगा है, ये ऊपर साइड जो कि हिडन था, मुझे यहाँ से दिखाई नहीं दिया और मैंने इसे भी खोल दिया है और अब हम इसे ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका जो फ्रंट पैनल है उसमें एक कनेक्शन कनेक्टर जो है मेन पीसीबी में गया है, उसे हमें निकालना होगा। ये जो है इसे हम निकाल देते हैं जिसके बाद हम इसका फ्रंट पैनल जो है उसे अलग कर पाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इसमें जो ऊपर इंडक्शन कॉइल है इसको भी हमें निकालना होगा तब हम इसकी पीसीबी जो है उसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर 3 स्क्रू लगे हैं और इन स्क्रूज को हम अनस्क्रू कर लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये तीनों स्क्रू जो हैं मैंने अनस्क्रू कर दिया है और ये कॉइल जो है इस तरह से हम ऊपर साइड कर देंगे जिसके बाद हम यहाँ पर इसकी पीसीबी जो है उसे देख पाएंगे। सबसे पहले आपको मैन्युअली ही पीसीबी देखनी होती है, कोई कंपोनेंट जला हुआ दिख रहा है क्या। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक रेजिस्टेंस जो है ये जली हुई दिख रही है। तो इस तरह से आप सबसे पहले मैन्युअली ही सभी कंपोनेंट देख लें जिससे कि आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग जाएगा कि इसमें क्या कमी है। तो यहाँ पर इस पीसीबी को भी कुछ स्क्रू द्वारा बॉडी के साथ लगाया गया है और इस तरह से मैंने इसकी पीसीबी जो है उसे भी निकाल लिया है। मैं पीसीबी को बिल्कुल अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर कुछ कनेक्टर्स हैं जिनको मैंने निकाल दिया है और इस तरह से पीसीबी में हमें एक फॉल्ट तो दिख गई कि इसमें एक रेजिस्टेंस जो है वो जली हुई है और यहाँ पर इसमें आईजीबीटी और जो ब्रिज रेक्टिफायर है उसकी हम टेस्टिंग बाद में देखेंगे। सबसे पहले रेजिस्टेंस ही हमें रिप्लेस करनी है। तो मैं यहाँ पर आपको क्लियरली पहले विजुअल कराता हूँ, इसको सही पोजीशन में रख के मैं कैमरे को जूम करके आपको कुछ टेस्टिंग जो है वो करके दिखाऊंगा। क्योंकि यहाँ पर पावर मॉनिटर में कुछ वॉटेज शो कर रहा था इसलिए इसमें फ्यूज तो बिल्कुल सही होगा और यहाँ पर इसमें फ्यूज जो है उस जली हुई रेजिस्टेंस के बगल में लगा है। ये फ्यूज है और ये फ्यूज जो है ये बिल्कुल सही है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर अपने मल्टीमीटर से इसे टेस्ट करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कंटिन्यूटी में हमें मल्टीमीटर लगा लेना है और इस तरह से आप देखेंगे बजर जो मॉड है यानी कंटिन्यूटी, इसमें हमने मल्टीमीटर लगा लिया है और अब मैं इस फ्यूज को पहले टेस्ट करके दिखाऊंगा फिर वो फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो कि जली हुई है को टेस्ट करूंगा। यहाँ पर बीप दे रहा है मल्टीमीटर, तो इस तरह से आप देखेंगे कि जब हम फ्यूज को टेस्ट करते हैं तो बीप मिलता है यानी फ्यूज सही है और इस रेजिस्टेंस में हम टेस्टिंग करते हैं तो हमें कोई भी बीप या कंटिन्यूटी जो है मल्टीमीटर शो नहीं कर रहा है। लेकिन अगर ये फ्यूजबल रेजिस्टेंस सही होती तो यहाँ पर मल्टीमीटर में कोई वैल्यू निश्चित ही शो होती, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू वाली फ्यूजबल रेजिस्टेंस लगाई जाती हैं। यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर और आईजीबीटी भी लगा है और इनकी टेस्टिंग हम तभी करेंगे जब हम पहले फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो है उसे रिप्लेस करके और देख लेंगे अगर हमारी फॉल्ट रिपेयर नहीं होती तो आगे की टेस्टिंग जो है वो किस तरीके से करनी है ये भी मैं आपको आगे वीडियो में जानकारी दूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो फ्यूजबल रेजिस्टेंस है चूंकि ये ओपन हुई है और इसके ऊपर का जो कलर कोड है वो भी निकल गया है तो इसके जो लेग्स हैं इन्हें हम थोड़ा सा कटर से कट कर लेते हैं जिससे कि हमें इसे निकालने में आसानी रहेगी। इस तरीके से चूंकि इसकी लेग्स जो है वो मुड़ी हुई हैं और इन्हें हम कट करने के बाद आसानी से सोल्डिंग आयरन की मदद से निकाल पाएंगे। तो इस तरह से मैं ये जो फ्यूजबल रेजिस्टेंस है इसे निकाल देता हूँ और इसके बाद कोशिश करता हूं कि इसकी वैल्यू हमें पता चल सके। तो यहां पर आप देख पाएंगे मैंने फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो है इसे निकाल दिया है
यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है जब हीट हो जाती है ऐसी स्थिति में उसका कलर कोड पहचानना मुश्किल होता है, लेकिन इसमें आप देखेंगे पहला सर्किल रेड है, फिर एक सर्किल और है जो कि विजिबल नहीं हो रहा है, इसके बाद ब्लैक, गोल्ड और ब्लैक हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू जो है वो हम क्लियर नहीं पता कर सकते हैं। चलिए पीसीबी में देखते हैं, शायद हमें यहाँ पर पीसीबी में लिखा हुआ देखे, ये आप देखेंगे 22 ohm 1 watt जहाँ पे ये रेजिस्टेंस लगी थी वहां पर लिखा हुआ है। तो ये 22 ohm और 1 watt की फ्यूजबल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको 22 ohm 1 watt की फ्यूजबल रेजिस्टेंस नहीं मिलती है तो इस तरह की 10 ohm 1 watt की फ्यूजबल रेजिस्टेंस भी आप यूज कर सकते हैं। 10, 20, 30 ohm तक की फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो है उसे आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे मल्टीमीटर से टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। ये 9.9 ohm दिखा रहा है, तो ये 10 ohm 1 watt की फ्यूजबल रेजिस्टेंस है जो कि इस इंडक्शन सर्किट में जो IGBT लगा होता है उसको ड्राइव करने के लिए 18 वोल्ट की जरूरत होती है और इसमें एक SMPS इनबिल्ट होता है। उस SMPS पे ब्रिज रेक्टिफायर द्वारा जो DC जनरेट होती है 320 वोल्ट लगभग, उस DC को ये पहुंचाता है। जब उसके बाद वहां पर वो स्विचिंग होती है, SMPS द्वारा 18 वोल्ट फिर जनरेट होता है जो कि ड्राइव सेक्शन को ऑपरेट करने के लिए प्रोवाइड किया जाता है। तो ये SMPS सर्किट जो इसमें इनबिल्ट है वही जब 18 वोल्ट प्रोवाइड नहीं करेगा ऐसी स्थिति में हमारा इंडक्शन जो कुकटॉप है वो वर्क नहीं करेगा। तो इसी वजह से इंडक्शन कुकटॉप जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। चलिए अगर इसमें और भी कोई कमी होगी तो वो टेस्टिंग के बाद ही हमें पता चलेगी। यहाँ पर जो कंपोनेंट हमारा खराब दिख रहा था उसे हमने रिप्लेस कर दिया है, यानी फ्यूजबल रेजिस्टेंस जो है उसे हम रिप्लेस कर चुके हैं। इसके बाद इसका SMPS जो है वो अब 18 वोल्ट ड्राइव सेक्शन को प्रोवाइड करने लगेगा। तो यहाँ पर इसके बाद अब हम इसकी टेस्टिंग जो है वो कर लेते हैं, जिसके बाद हमें ये क्लियर होगा कि हमारा जो इंडक्शन सर्किट है ये सही हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरीके से मैं इसे पहले की तरह प्लेस कर देता हूँ, जिसके बाद हम इसकी टेस्टिंग जो है वो करते हैं। अभी मैं स्क्रू नहीं लगाऊंगा, बस ऐसे ही इसको जो इसके सारे कनेक्टर्स हैं उन्हें जोड़ के और टेस्टिंग करूंगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इसका जो सेंसर का सॉकेट है उसे भी मैंने लगा दिया है, फैन का सॉकेट लगा दिया है और इसका जो कंट्रोल पैनल है जो कि फ्रंट पैनल पे इनबिल्ट है उसका भी हम सॉकेट जो है इसमें लगाने के बाद ही टेस्टिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो सॉकेट है इसे भी हम इसकी जगह पे लगा देते हैं और ऊपर का जो पैनल है इसे इस तरीके से प्लेस करके और टेस्टिंग जो है वो करते हैं। तो यहाँ पर मैं पावर मॉनिटर में अब प्लग करने वाला हूँ इसका जो प्लग है उसे, और यहाँ पर आप वोल्टेज जो है पावर मॉनिटर में देख पाएंगे 3.3 वॉट के करीब इसने इनिशियल स्टेट में लिया था और यहाँ पर हमारा इंडक्शन कुकटॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। क्योंकि इस समय इस पे कोई लोड नहीं इसलिए 6 वॉट के करीब पावर जो है कंज्यूम कर रहा है। यहाँ पर पावर बटन को प्रेस करके हम इसे ऑफ और ऑन कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये इंडक्शन कुकटॉप जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। तो यहाँ पर जरूरी नहीं कि इंडक्शन कुकटॉप खराब होता है तो सीधे IGBT हमारा खराब हो गया या ब्रिज रेक्टिफायर खराब हो गया। छोटी मोटी कमियां भी आ सकती हैं जिनकी वजह से इंडक्शन कुकटॉप जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। तो यहाँ पर इस पीसीबी को मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर आप देखेंगे जो एसी मेंस की हमारी सप्लाई है वो फ्यूज से होती हुई, ये फ्यूज से होती हुई डायरेक्ट SMPS में नहीं जाती है, पहले ये ब्रिज रेक्टिफायर में जाती है उसके बाद SMPS में जो है स्विचिंग के लिए आती है। और SMPS का काम सिर्फ यहाँ पर ये है कि ये 18 वोल्ट जनरेट करेगा जो कि इसके ड्राइव सेक्शन द्वारा जो IGBT है उस पे स्विचिंग के लिए जो जरूरी वोल्टेज है वो पहुंचाता है। तो इस तरह से जब भी आपका इंडक्शन कुकटॉप खराब होता है ऐसी स्थिति में सबसे पहले पीसीबी को मैन्युअली ही देखना है, डायरेक्ट आपको ब्रिज रेक्टिफायर या IGBT की टेस्टिंग नहीं करनी है। पहले आप मैन्युअली देखें सभी कंपोनेंट, कोई कंपोनेंट जला हुआ तो नहीं दिख रहा है, क्योंकि छोटे छोटे से कंपोनेंट हैं वो जरा भी अगर कोई खराब होगा तो यहाँ पर हमारा जो इंडक्शन कुकटॉप है वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। और आप भले ही IGBT रिप्लेस कर दें, जब तक ड्राइव सेक्शन बिल्कुल सही से आउटपुट जो है वो नहीं देगा तब तक यहाँ पर IGBT स्विचिंग नहीं करेगा और आपका इंडक्शन कुकटॉप जो है वो वर्क नहीं करेगा। मैंने इंडक्शन कुकटॉप की रिपेयरिंग पे भी कई सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप उस प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।